अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और नया टिकटॉक का ट्रेंडिंग पंजाबी पोट्री स्टेटस वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि आप सिंपल स्क्रीन में देख रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह का ट्रेंडिंग और औसम स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में इसका मुकम्मल ट्यूटोरियल बताऊँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड, ये टिकटॉक की एक आईडी है अकबर अली जिद्दी 5। तो इस तरह के स्टेटस बना रहा है, उसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो अगर आप भी किसी स्टेटस का ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी के लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर दिखाएँ, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फ्री ऑफ कास्ट है। तो स्टेटस के लिए हम काइन मास्टर ऐप को यूज़ करेंगे। तो आपने सबसे पहले काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेना है। तो अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने प्लस पे टैप करके और 1:1 रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, और आपने अपनी पिक सेलेक्ट कर लेनी है। जौन सी पिक्स पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं, या आप जौन सी वीडियो जो है वो आप लेना चाहते हैं, सॉन्ग वाली, पोएट्री वाली, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। मैं ये पिक्स लूँगा। उसके बाद अगर आपकी पिक्स स्क्रीन पे फिट नहीं आ रही तो आपने पिन और जूम में आके इसको इक्वल करके आपने कुछ इस तरह से इस पिक्स को आपने ऐसे एडजस्ट कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। जौन सी आप पिक्स या वीडियो लेना चाहते हैं आपने वो ले लेनी है। अगर आप सॉन्ग पे बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि वो जो आईडी वाला है वो सॉन्ग पे वीडियो ज़्यादा बना रहा था। तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए जो है वो पोएट्री पे वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, आपने सॉन्ग ऐड कर लेना है। तो अगर आपके पास आईडी को सीरीज में तो आपने आईडी से सेट कर लेना है। अगर आपके पास वीडियो को सीरीज में तो आपने वीडियो से स्टार्ट कर लेना है। तो सॉन्ग को ऐड करने के बाद जहाँ तक आपका सॉन्ग है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो सॉन्ग यहाँ तक है, तो इसको ऐसे आगे से ट्रिम कर लेते हैं और सॉन्ग को भी आगे से ऐसे ट्रिम कर लेते हैं। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने लेयर पे टैप करना है मीडिया में आके, और ये ब्लैक कलर की PNGs हैं, ऐसे ब्लैक जो है वो PNG है। तो आपने अगर ये यूज़ करना चाहें ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोबारा फिर लेयर पे टैप करते हैं मीडिया में आके, और ये बॉर्डर है तो इसको फुल टू फुल स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद बढ़ा के अपने स्टेटस के एंड तक कर लेते हैं, जहाँ तक आपका स्टेटस है। उसके बाद दोबारा फिर आपने क्या करना है, लेयर पर टैप करना है मीडिया में आके, और ये टेम्पलेट है तो इसको आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग में आके स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद आपने ओके करने के बाद आपने क्या करना है, इसको क्रॉप में आ जाना है। क्रॉप में आने के बाद ये नीचे जो शोर है मिठी एडिट्स, आपने इसको डिलीट करके और इसको कुछ इस तरह से आपने इधर लगा लेना है, कुछ इस तरह से आपने चेक कर लेना है। जैसा आप रखना चाहें, बड़ा छोटा आपने अपने हिसाब से रख लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो इधर से ऐसे ट्रिम कर लेना, जहाँ तक आपका स्टेटस है। उसके बाद दोबारा फिर आपने लेयर पे टैप करना है मीडिया में, और जो है वो दो टेम्पलेट हैं, एक जो है वो ये वाला यूज़ कर रहा है और एक जो है वो ये वाला यूज़ कर रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो सा आप टेम्पलेट लगाना चाहें लगा लीजिएगा। मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। ये दो टेम्पलेट हैं, वो नीचे जो यूज़ करता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको आगे वाला जितना ऐसा आपका स्टेटस से फालतू है आपने इसको ट्रिम कर लेना है, और इसको आपने इस तरह कुछ छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद आपने ये कुछ इस तरह इधर इसको लगा लेना है। तो इसको मज़ीद ऐसे थोड़ा ऊपर करके ऐसे छोटा कर लेते हैं, और अगर आपने चेक कर लेना है ये हमारा यहाँ पे सेट आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको 3 डॉट पे टैप करके डुप्लीकेट कर लेना है, और जो डुप्लीकेट लेयर आपने इस तरफ आपने इसको इस तरफ एक कर्नल पे एक, दूसरी कर्नल पे एक आपने इस तरह सेट कर लेना है। नीचे वाले दो टेम्पलेट है, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर लीजिएगा। मैं ये टेम्पलेट मैंने यूज़ किया तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दोबारा फिर आपने लेयर पर टैप करना है मीडिया में आके, और जो वो जो दोनों PNG यूज़ कर रहा है, लेबल टैक्स PNG दोनों मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। आप अपने हिसाब से वो भी चेक कर लीजिएगा, जौन सी आप लगाना चाहें लगा लीजिएगा। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर लिरिक्स लिखने हैं। तो आपने अपना सॉन्ग या जो पोएट्री आपने उसके हिसाब से लिरिक्स लिख लेने हैं। इसके लिए लेयर पे टैप करके टेक्स्ट में आके, और आपने चेक कर लेना आपके जौन से लिरिक्स हैं। मैंने कॉपी किए हुए हैं, मैं इनको पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद AA में आके लातेन में आ जाना। अगर आप मेरे वाला काइन मास्टर यूज़ कर रहे हैं तो तमाम उर्दू फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी जो सा फ़ॉन्ट लगाना चाहें लगा लीजिएगा। तो मैं ये कैनवे यूज़ करूँगा। उसके बाद कलर जौन सा आपको बेस्ट लगे आपने वो यूज़ कर लेना। मैं रेड कलर यूज़ करूँगा। उसके बाद जो है आउटलाइन में आके, और यहाँ पे वाइट आउटलाइन मैं दे लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, लाजम नहीं कि आप ऐसे ही लगाएं, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इन एनिमेशन में आके जौन सी आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। जौन सी एनिमेशन आपको बेस्ट लगे जो है वो आपने वो लगा लेनी है। तो जैसे कि मैं जो है वो ये वाली यूज़ कर लूँगा। उसके बाद आउट में आके फेड दे लेते हैं। तो इसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं और ऐसे नीचे कर लेते हैं। तो जो पहला हमारा लिरिक्स यहाँ तक है, सॉरी, इसको आगे से ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के बाद आपने 3 डॉट पे टैप करके इसे डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इसको उठा के फिंगर की मदद से आगे ले आना है, और आपने चेक कर लेना है। उसके बाद आपने इसको भी एडिट करके और आगे वाली आपने अपनी जो लाइन है लिरिक्स आपने वो लिख लेनी है। तो जैसे कि ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थ्री डॉट पे आके डुप्लिकेट कर लेते हैं। यानी कि आपने क्या करना है कि आपने एक लिरिक्स लिखना है, उसके बाद आपने इसको ऐसे जो है वो बढ़ाते जाना है। आपने अपने एक लिरिक्स लिख लेना है, उसके बाद उस पर आपने कलर लगा के एनिमेशन लगा के ओके कर लें। उसके बाद आपने थ्री डॉट पे टैप करके उसको डुप्लिकेट करते जाना है और अपना आगे का जो आपके लिरिक्स आपने वो लिख लेने हैं। तो जैसे कि मेरे ये हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद इसको थ्री डॉट पे टैप करके और इसको डुप्लिकेट कर लेते हैं। डुप्लिकेट करने के बाद इसको इस तरह से आगे ले आते हैं और यहाँ पे जो है वो आगे की लाइन ऐसे लिख लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, आपने जौन से जो है वो करना है कर लीजिएगा, जौन सा आप कलर यूज़ करना चाहें, जौन सा इफेक्ट यूज़ करना चाहें। तो मैं जो है उधर ये वाला इफेक्ट यूज़ करूँगा, ये फ्लिकर ये मैं यूज़ करूँगा। इसकी जो इन एनिमेशन है वो मैं फेड कर लेता हूँ ऐसे। तो उसके बाद वो जो है वो एक और टेम्पलेट यूज़ कर रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए लेयर पे टैप करते हैं मीडिया में आके, और एक ये टेम्पलेट है ये फ्लावर वाला और दूसरा ये टेम्पलेट है, वो दोनों यूज़ कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, जौन सा आप लगाना चाहें आपने वो लगा लेना है। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपने ब्लेंडिंग में आ जाना है, स्क्रीन में आके इसको स्क्रीन कर लेना। स्क्रीन करने के बाद आपने इसको थोड़ा छोटा कर लेना है और इस तरह आपने इसको ऐसे इधर ऊपर लगा लेना है। तो आप दोनों टेम्पलेट में से जो यूज़ करना चाहें आपने वो कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमारा जो स्टेटस रेडी हो चुका है, मैं आपको फाइनल प्ले करके चेक करा देता हूँ। मिठिए माड़े टाइम विच यार ही काम आउंदे ने आ टेंपरेरी प्यार नहीं यारा भारी बोल ना कुड़े पहलियां भी इस गलो। तो आपने ऐसे अपना स्टेटस बना लेना है। बाकी आप टेम्पलेट है, टेम्पलेट अपने हिसाब से जो सा आप यूज़ करना चाहें कर लीजिएगा। तो हमारा स्टेटस जो है रेडी हो चुका है। उसके बाद आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपने इसका बिट रेट हाई रख के 720p या 1080p जो आपको मोबाइल सपोर्टेड है, बस फ्रेम रेट आपने 30fps या 60fps रख के और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हमारा स्टेटस एक्सपोर्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पर दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।